जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हमें पूरे BMS के कोर्स में यूज़फुल होता है और हमें लगभग हर साल इसका काम पड़ता ही पड़ता है, फिर चाहे वो चरक में हो या फिर द्रव्यगुण में या फिर किसी और जगह। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है महाकषाय। तो आज हम महाकषाय के बारे में और इसकी लर्निंग ट्रिक्स के बारे में अपनी इस वीडियो में जानेंगे और कुछ इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स जो हमें एग्ज़ाम में काम आते हैं तो उनके बारे में भी इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप ना करें, क्योंकि हो सकता है कि कुछ इम्पॉर्टेंट पोर्शन छूट जाए जिससे आपको समझने में बाद में दिक्कत हो। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। और जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि चरक सूत्र स्थान 4 षड विरेचन शताश्रुति है, यानी कि ये जो हमारे महाकषाय हैं उनका वर्णन आपको चरक सूत्र स्थान के 4th अध्याय में मिलेगा, और इसके अलावा भी ये आपको द्रव्यगुण में पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 50 महाकषायों का वर्णन किया गया है। तो 50 महाकषायों के अंदर हर महाकषाय में 10 ड्रग्स आते हैं, तो इस तरह से हमारे 500 महाकषाय हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स। तो जो सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है वो ये कि आचार्य चरक द्वारा द्रव्यों का कर्मात्मक वर्गीकरण है। ये यानी कि आचार्य चरक ने जो है द्रव्यों को उनके कर्म के अनुसार डिवाइड किया था या क्लासिफाई किया था कह सकते हैं। तो यानी कि जैसे हमारा दीपनीय है, तो दीपनीय द्रव्य में जो जो द्रव्य अग्निदीपन का काम करते हैं उन 10 द्रव्यों को महाकषाय बोल के इसके अंदर रख दिया, दीपनीय महाकषाय में। ठीक है, तो इस तरह से 50 महाकषायों में उन्होंने डिवाइड किया, और प्रत्येक महाकषाय में हमारे 10 10 द्रव्य रखे गए हैं। तो इस तरह से हमारे जब 50 महाकषाय हैं तो उनको अगर हम 10 से मल्टीपल करेंगे तो हमारे हो जाएंगे 500। तो इस तरह से 500 ड्रग्स हो गए। लेकिन होता ऐसा है कि मतलब कुछ कुछ ड्रग्स ऐसे हैं कि जो कई कई महाकषायों में 2 2 3 3 बार आए हुए हैं। तो इस तरह से हमारे जो मूल रूप से टोटल ड्रग्स हमारे यूज़ हुए हैं वो है हमारे 276। जैसे कि यहाँ पे मुलेठी का एग्जांपल लेके समझाया गया है कि महाकषायों में मुलेठी सबसे अधिक बार यानी कि 11 बार आया है। तो दोस्तों, इस तरह से हमारे ये कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो कि एग्ज़ाम में जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ये पॉइंट्स आपको बुक में सर्च करने में 2 3 दिन का टाइम लग जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए पढ़ते हैं। जो सबसे पहला पॉइंट है कि चरक ने जीवनी से लेकर वायस्थापन तक 50 महाकषाय का वर्णन किया है, तो ये तो ईजी है। और चरक ने 50 महाकषायों का लक्षण और उदाहरण के रूप में वर्णन किया है। ठीक है, चरक ने दीपनीय महाकषाय का वर्णन किया है किंतु पाचनीय महाकषाय का वर्णन नहीं किया है। काकोली क्षीर काकोली को जीवनीय व्रंघणीय शुक्रजनन स्नेहपग और अंगमर्द प्रशमन में रखा गया है। और बताया है अगला पॉइंट इन्होंने कि मुलेठी शब्द सर्वाधिक यानी कि 11 बार और पिपली 9 बार आया। ये कई दफ़ा कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। और इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो भी जो मतलब टोटल संख्या है द्रव्यों की वो भी एग्ज़ाम में बहुत बार पूछी गई है। और जाति प्रवाल का वर्णन कुष्ठग्न महाकषाय में आया है, और आरागवत का वर्णन किन 2 महाकषाय में किया गया है वो है हमारे कुष्ठग्न और कंडोग्न। और अमृता गुडुची यानी कि जो गिलोय है हमारी, उसका वर्णन तृष्णा निग्रहण और वायस्थापन 2 महाकषाय में आया है। शर्करा का वर्णन ज्वरघ्न शोड़ित स्थापन व दाह प्रश्नवन 3 में आया है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं ना कि मतलब एक ही ड्रग कई कई जगह यूज़ हुआ है, और ये एग्ज़ाम में मतलब जो पूछे थे वही बताए हैं आपको यहाँ पे। और अगला है हमारा मोचरस का वर्णन पुरी संग्रहणीय शोड़ित स्थापन और वेदना स्थापन 3 में आया है। और जो हमारे कमल के भेद हैं तो कमल के भेदों का वर्णन मूत्र विरंजनीय महाकषाय में बताया गया है। और जो अगला है इम्पॉर्टेंट है कि बेरों के भेदों का वर्णन विरेचनोपग महाकषाय में आया है। और बताया गया है कि मूत्र विरंजनीय द्रव्य शीत वीर्य प्रधान होते हैं और मुख्यतः पित्तजपुर में नाशक होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। और चरक संहिता में वर्णित पुरी संग्रहणीय महाकषाय के द्रव्य पक्को संग्राहक अर्थात स्तंभन का कार्य करते हैं। ठीक है, और चरक संहिता में वर्णित त्रिप्रतिघ्न महाकषाय को योगीनाथ सेन ने अरोचक हर कहा है। और जो अगले पॉइंट हैं 3, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें कन्फ्यूज़न बहुत होता है। वो है हमारे कि अर्जुन का वर्णन उदर्द प्रशमन महाकषाय में कहा गया है या ना कि हृदय महाकषाय में, चूँकि अर्जुन का यूज़ होता है कार्डियक डिजीज में,
तो इसलिए लोग सोचते हैं कि ये हरद महाकाशा है तो इसी में इसका यूज़ होगा, जबकि ऐसा नहीं है। उसका यूज़ किया गया, उसका वर्णन जो किया गया है वो है उदर्द प्रश्मन महाकाशा में। इसी तरह से जो अशोक का वर्णन है तो वो वेदना स्थापन महाकाशा में किया गया है, ना कि शोड़ित स्थापन महाकाशा में। और किरातिक का वर्णन स्तन शोधन महाकाशा में आया है, ना कि ज्वरग्न महाकाशा में। तो ये कन्फ्यूजिंग है, क्योंकि जैसे किरातिक हो गया आपका, ये आपका ज्वर में काम आता है, तो लोग सोचते हैं कि ये ज्वरग्न महाकाशा में होगा, और यही चीज़ एग्जामिनर आपसे एग्जाम में पूछ लेता है, तो फिर वहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो दोस्तों अब इसके बाद हम चलते हैं अपने दशमनिगढ़, यानी कि जो हमारे महाकाशाएं हैं उनके नाम हम दसों को कैसे याद रख सकते हैं उसको पढ़ेंगे, और उनकी जो ट्रिक है उनको भी देखेंगे। जो हमारा पहला दशमनिगढ़ है वो उसके आता है नीय सबसे लास्ट में, यानी कि जो हमारा सफिक्स है नीय, उसके अंदर छः महाकाशाएं आते हैं। तो जीवनीय, मृंगणीय, लेखनीय, भेदनीय, दीपनीय और संधानीय, ये छः हमारे महाकाशाएं नीय वाले हो गए। तो इनको हम ऐसे याद रखेंगे कि जीवन लें भेदी से, जीवनीय से हो जाएगा जी, और वन से हो जाएगा ब्रह्मण, ले से हो जाएगा लेखनीय, और भे से हो जाएगा भेदनीय, और भेदी के दी से हो जाएगा दीपनीय, और से हो जाएगा संधानीय। तो ये छः महाकाशाएं इसके अंदर आते हैं। जो हमारा अगला गण है वो है हमारा घन। घन सफिक्स में आते हैं हमारे छः, तृप्तिघ्न, अर्शोघ्न, कंडोघ्न, कुष्ठघ्न, कृष्मिघ्न और विषघ्न। इनको हम ऐसे याद रखेंगे कि तेरी आशा को खुजली करे विशाखा, ठीक है। तो जो किसी की आशा है, यानी कि तृप्तिघ्न से हो गया तेरी, और अर्शो से हो गया आशा, और खुजली यानी कि कंडू, तो कंडू से हो गया खुजली, और करे से हो गया कृष्मिघ्न, विष से हो गया विशाखा, ठीक है। तो इस तरह से हम घन महाकाशाओं को भी याद कर लेंगे। इसके बाद आते हैं हमारे या सफिक्स वाले, तो उसमें आते हैं हमारे चार, बल्ले, वर्ण, कंठ और हृदय, ठीक है। तो बल्ले का बा और वर्ण का बा मिला के हो जाएगा बाबा, कंठ से हो जाएगा का, हृदय से हो गया हृदय, तो इसको बाबा का हृदय इससे याद रखेंगे। इसके बाद जो हमारा अगला सफिक्स है वो है हमारा जनन शया शोधन। तो इसके अंदर चार आते हैं, वो इसका कोई ट्रिक करने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से याद हो जाते हैं, जो कि हमारे स्तन जनन, स्तन शोधन, शुक्र जनन, शुक्र शोधन। तो ये इस तरह से आसानी से याद हो जाते हैं। पग में आते हैं हमारे सात, सात में हमारे जो स्टार्टिंग के हैं स्नेहोपग, स्वेदोपग, इनको याद करना है, बाकी में आपको पंचकर्म मिलाना है, यानी कि स्नेहन स्वेदन, और बाकी में वमन विरेचन, आस्थावन, अनुवासन और शिरो विरेचन। तो इसमें हम पंचकर्म से याद रख सकते हैं इनको, क्योंकि ये पंचकर्म में आते हैं, ठीक है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे दें, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन बन सकता है। तो इसी तरह से जो है हमारे नए नए ट्रिक्स को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों में भी इसको शेयर ज़रूर करें। आग लगा दी। अब इसके बाद बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ, देखते हैं हमारे जो निग्रहण में आते हैं तीन, जो कि है हमारे तृष्णा निग्रहण, छर्दी निग्रहण और हिक्का निग्रहण महाकाशाय। तो इसको हम ऐसे याद रखेंगे कि तेरा ही छर्दी, तेरा से हो जाएगा यहाँ पे तृष्णा, ही से हो जाएगा हिक्का, और छर्दी से छर्दी, ठीक। तो इसमें आते हैं हमारे पांच महाकाशाय, जो कि हमारे श्वासहर महाकाशाय, कासहर महाकाशाय, शोथहर, ज्वरहर और श्रमहर महाकाशाय, ठीक। तो इनको हम ऐसे याद रखेंगे कि श्वास से हो गया हमारा यहाँ पे शा, और कास का मिला के शाका, शोथ का हो गया यहाँ पे सो, और ज्वर से हो जाएगा जाओ, और श्रम से हो जाएगा श्रम करके, यानी कि हमारी ट्रिक बनेगी कि शाका, सो जाओ, श्रम करके। इसके बाद जो हमारा अगला दशमनि है वो है हमारा प्रश्मन, उसमें आते हैं हमारे पाँच, यानी कि दाह प्रश्मन और शीत प्रश्मन, अंगमर्द प्रश्मन और उदर्दशूल प्रश्मन महाकाशाय। तो इनको याद रखने की ट्रिक है कि दाशी जल्दी आओ शूल हो रहा है, यानी कि किसी के जब शूल होता है तो वो किसी को जल्दी से बुलाता है। लेकिन क्या करें यार, हम तो छोटे लोग हैं। यानी कि हम इसको ऐसे रखेंगे, दाह और शीत का स्टार्टिंग का वर्ड मिला के हो जाएगा यहाँ पे दाशी, अंगमर्द और उदर्द को मिला के हो जाएगा हमारा आओ, और शूल से शूल हो रहा। तो इस तरह से हो जाएंगे हमारे प्रश्मन।
और स्थापनों में हो जाएंगे हमारे वेदना स्थापन, शोणित स्थापन, वया स्थापन और संज्ञा स्थापन और प्रजा स्थापन। तो ये पांच स्थापन के अंतर्गत आते हैं। इनको हम ऐसे याद रखेंगे कि वंदना सुनो वो सजा पर है, तो वेदना से हो जाएगा यहाँ पे वंदना, शोणित का हो जाएगा सुनो, वैसे हो जाएगा वो, और संज्ञा से हो जाएगा हमारा सजा, और प्रजा से हो जाएगा पर है। ठीक, तो इस तरह से हम इसको याद रखेंगे। संग्रहणीय, विरजनीय या विरचनीय, ये आते हैं टोटल पांच। इनको इनके अंदर जो आते हैं मेनली आते हैं पुरुष संग्रहणीय, पुरुष विरजनीय, मूत्र संग्रहणीय, मूत्र विरजनीय, मूत्र विरचनीय। यानी कि पुरुष वाले दो हैं और मूत्र वाले तीन हैं, लेकिन जो मूत्र वाला जो अलग है वो ये कि सबसे अलग है कि ये मूत्र विरेचनीय वाला। ठीक है, तो इसको याद रखना है बस। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने महाकषाय का बेसिक स्ट्रक्चर कवर किया है। चूँकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी, तो जो बाकी का हमारा पोर्शन रह गया है उसे हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें हम इन महाकषाय के अंदर कौन कौन से ड्रग्स आते हैं उनको ट्रिक से याद रखेंगे। तो दोस्तों, इसी तरह की मज़ेदार और ईजी ट्रिक्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में नई ट्रिक्स के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद। धन्यवाद।